जैसे कि आप सभी को मालूम ही होगा कि छात्रावास अधीक्षक की भर्ती बहुत जल्द आने वाली है। अगर आप हॉस्टल वार्डन की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर निशुल्क क्लास कराई जा रही है। छात्रावास अधीक्षक में आपका कंप्यूटर के क्लासेस रहेगी, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, प्रैक्टिस सेट रहेगा। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर का, जिसमें बहुत सारे एग्जामों में ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हम आप सभी के लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। तो क्लास कंटिन्यू करना स्टार्ट कीजिएगा प्रैक्टिस सेट के साथ। तो चलिए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर का, जो आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप लोग अपना लेवल चेक करना स्टार्ट कर दीजिएगा कि आप कैसे तैयारी कर रहे हैं और कितने आप सेटिस्फाई हैं कि नहीं हैं। तो चलिए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर का। कंप्यूटर का वायरस और एंटीवायरस से प्रश्न देखेंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम जैसे हॉस्टल वार्डन में काफ़ी महत्वपूर्ण है। टोटल 30 MCQ देखने वाले हैं, ठीक है। तो हॉस्टल वार्डन में आप सभी के लिए देखिए, जो 50 नंबर के प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें आपको 25 नंबर लाना अनिवार्य रहता है। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर के वायरस से क्वेश्चन देखेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मौखिक टेस्ट के रूप में। अगर आपको अपना लेवल चेक करना है तो आ जाइएगा, क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, टेंड माइक्रो क्या है? तो टेंड माइक्रो आपका एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, याद रखना इसका आंसर ए होगा, ठीक है। पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए, ऐसे बहुत सारे वीडियो हमने अपलोड कर दिया गया है, जो कि कंप्यूटर से बहुत सारे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप CGPSC, व्यापम या फिर SSC बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, तो कंप्यूटर में हर एक एग्ज़ाम में 20 नंबर से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। मैं गारंटी लेता हूं, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। उन वायरस का क्या नाम है? देखिएगा, जो ऐसा क्वेश्चन है, उन वायरस का क्या नाम है जो किसी यूज़र को यूज़फुल एप्लीकेशन होने का दिखावा करके डाउनलोड करना या फिर एग्जिस्ट मूर्ख बनाता है। तो देखिए, इसको पहचानने का मैं आपको आसान से तरीका बताऊंगा। मान लीजिए कोई एक वायरस है, जो किसी उन वायरस का क्या नाम है पूछा गया है, जो यूज़फुल करके, यानी कि मान लीजिएगा आप गूगल से कोई भी पिक्चर वगैरह या फिर सॉन्ग वगैरह या रिंगटोन वगैरह डाउनलोड करते हो, तो आपको डाउनलोड होने का दिखावा करेगा या फिर मूर्ख बना देगा कि यह आपको डाउनलोड हो रहा है करके, जबकि यह ऐसा होता है, वास्तव में कुछ नहीं है। तो इसका आंसर ट्रोजन हार्स होगा। अब देखिए, तीसरा प्रश्न है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में फैलाने वाले वायरस को क्या कहते हैं? तो एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर है वो फैलाने वाला वायरस को क्या कहते हैं? तो इसको हम मैको वायरस कहते हैं। क्या कहते हैं? मैको वायरस, ठीक है। टाइम नहीं है क्योंकि मैथ्स की क्लास भी लेना है हमें, ठीक है। ली हार्ड वायरस कैसे अस्तित्व में आया? ली हार्ड मतलब जो एक्टेंशियन है, वो आपका commond.com में होगा, आंसर सी। कंप्यूटर में फैलने वाला वायरस, यह एक कंप्यूटर प्रोग्राम भी होता है। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यह ना देकर आपको कोड दिया रहता, कंप्यूटर कोड दिया रहता, तो आपका आंसर हम कोड लेते हैं, ठीक है। तो अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दोनों दिया रहता तो A+B करके आएगा क्वेश्चन में। व्यक्तियों द्वारा अपनी पहचान को गलत बताकर, कभी भी देखिए, अगर व्यक्ति है, मान लीजिए व्यक्तियों को अपना जो पहचान है गलत बताकर गोपनीय जानकारी प्राप्त कर लेता है ना, वो तरह का जो स्कीम होता है उसको फिशिंग स्कैम कहते हैं, याद रखना। ऑब्जेक्टिव बी होगा इसका आंसर। मतलब ऐसा व्यक्ति जो अपनी पहचान को, अपनी पहचान है, जो हमारी पहचान है, उसको गलत बताकर कोई गोपनीय जानकारी प्राप्त करता है ना, वही आपका फिशिंग स्कैम कहलाएगा, आंसर बी। टाइम बम क्या होता क्या है? तो असल में देखिए, जो टाइम बम होता है वो एक फटाका वगैरह नहीं है, जो किसी विशेष डेटा या समय के दौरान होता है, जो कंप्यूटर में ना, याद रखना, ये बम वगैरह फटाके फोड़ने वाला नहीं है ना, ठीक। कुछ वायरस के डीलेड और पेलेड को क्या कहा जाता है? बम कहा जाता है। मान लीजिए कोई डीलेड है और पेलेड है, उसको हम बम के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। और पहला बूट सेक्टर वायरस क्या है? तो पहला, मान लीजिएगा आपको बूट सेक्टर जो वायरस है, ब्रेन, ठीक है, याद रखना इसका आंसर ए होगा। पहला कंप्यूटर वायरस यानी फर्स्ट कंप्यूटर वायरस नेम क्या है? तो आप कीपर, याद रखना जो डी है आंसर आपका क्रीपर होगा, जो कि फर्स्ट कंप्यूटर वायरस है। देखिए, जो हमेशा वर्म को कैसे पहचानेंगे, तो आपको पहचानने का तरीका बता रहा हूँ, जो क्वेश्चन में एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, ये हमेशा एग्जाम में एक नया क्वेश्चन देखने को मिलेगा।
तो देखिए, जो एक वायरस और एक सेल्फ रिप्लिकेटिंग वायरस का मतलब होता है खुद को। मैं जो टॉपिक बता रहा हूँ उसको याद रख लेना, खुद को या स्वयं को, ठीक है, खुद को या स्वयं को प्रतियां। मान लीजिए अगर एग्जाम में दे दिया जाएगा क्वेश्चन में, तो आप डायरेक्ट आंसर कैसा लगाओ, खुद की प्रतियां जहां भी लिखा हो वर्म लगाएं, या फिर स्वयं की प्रतियां लिखा हो तो वर्म लगाएं। और सेल्फ रिफ्लेक्टिंग का मतलब होता है स्वयं का, जो यह केवल एक प्रण खुद की प्रतियां, देखिए यहाँ पर खुद की प्रतियां, इसीलिए मैं आप सभी को बताया हूँ, कभी भी क्वेश्चन में आपको खुद की प्रतियां या फिर स्वयं की प्रतियां दिखे, डायरेक्ट आप वर्म लगा दीजिएगा, ठीक है। रिफ्लेक्टिंग प्रोग्राम उसी को कहा जाता है। एंटीवायरस क्या होता है, तो एंटीवायरस देखिए अभी आपको ही बताया मैं, एंटीवायरस प्रोग्राम कोड होता है, इसीलिए मैं आप सभी को पहले बार बार चेता रहा था कि देखिए, बार बार आप सभी को समझा रहा था कि जो प्रोग्राम कोड होता है वो आपका दोनों ही होगा, कोड भी होगा और प्रोग्राम भी होगा, है ना। एक कंप्यूटर वायरस होता क्या है, तो वास्तव में देखिए, जो एक कंप्यूटर स्वयं को दोहराता है वही आपका कंप्यूटर वायरस होता है, ठीक है। और देखिए, निम्न में से एक प्रकार का वायरस नहीं है, तो देखिए ट्रोजन हॉर्स का एक वायरस नहीं है, जबकि यह आपको डाउनलोड होने का दिखावा करता है या फिर मूर्ख बनाता है, याद रखना, ठीक है। डाउनलोड होने का दिखावा करेगा या फिर मूर्ख बनाएगा। कंप्यूटर का एक मालिक्यूलस कोड हमेशा, जो यहाँ पर वायरस ही आएगा, जो स्वयं को अपने प्रोग्राम में कॉपी करता है ना। देखिए कोई भी, चाहे आपका मोबाइल वगैरह हो या फिर कंप्यूटर हो या पर्सनल, है ना, पीसी का मतलब होता है पर्सनल कंप्यूटर या फिर छोटा लैपटॉप, ठीक है, जो गोद में रखा जाता है। ये भी क्वेश्चन में पूछता है कि गोद में किसे रखा जाता है, पीसी पर्सनल कंप्यूटर यानी कि छोटा लैपटॉप, ठीक है। उनमें से कौन सा वायरस फैलाने का एक आदर्श तरीका है, एडीएल वाई होता है, जो आपका ऑफिस में जो एनडीएस होता है ना, एंटीवायरस, सीडीएस कॉम्पैक्ट डिस्क सिस्टम, ठीक है। एप्लीकेशन यानी कि एप्पल वायरस किसका अस्तित्व में, एक्टिव में आया था, तब आपको 1981 में ना, यानी कि 1981 में, ठीक है। अब 1981 के मध्य में यानी कि उनके बीच में एप्पल टू करके नाम लिखा है, जो एप्पल कंप्यूटर के पहला अस्तित्व में आया था। वायरस विभिन्न तरीकों से पता लगाना, यानी कि डायरेक्ट खुद से छुपाता है, यो हाइड कर देता है, वो आपका मात्र चार तरीका नहीं होगा, आपका तीन तरीका होगा, याद रखना, जो है आपका तीन तरीकों से आपको वायरस को छुपाता है, ऑप्शन तीन होगा, यानी इसका आंसर बी, ठीक है। आपके कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में वायरस लाने का आम तरीका क्या है मालूम है आपको, जैसे ही अगर आप ईमेल खोलोगे, है ना, तो आपको डायरेक्ट ईमेल खोलने से हार्ड डिस्क सीधा वायरस घुस जाता है, ठीक है, इंस्टॉल हो जाता है। डायरेक्ट इंस्टॉल का मतलब होता है डायरेक्ट एक्शन, इंस्टॉल हो जाता है मतलब एक्शन होता है, तो आपके कंप्यूटर की मेमोरी में छिपा रहता है या उन विशिष्ट प्रकार की फाइलों को शामिल करता है जो संक्रमित है। क्या आएगा इसका आंसर, बिल्कुल सी, डायरेक्ट एक्शन। जो डायरेक्ट एक्शन वायरस होता है ना, नॉन रेसिडेंट वायरस होता है, याद रखना, इसके रूप में भी जाना जाता है, एग्जाम में पूछता है। एक्सक्यूट होने के साथ साथ बूट सेक्टर को इन्फेक्ट करता है, तो आपका मल्टीपर्टाइटिस वायरस होगा, और किसको पहचानना मुश्किल ही नामुमकिन है, ऐसा वाला आपने वर्ड सुना होगा ना, यही है जो पहचानना मुश्किल है, क्योंकि वो पॉलीमॉर्फिक वायरस होता है। क्या होता है, पॉलीमॉर्फिक वायरस होता है, जो इस टाइप का से अपने सिग्नेचर को बदल देता है, साइन को बदल देता है, ठीक है, उन सभी फाइलों को डिलीट कर देता है जो इसे संक्रमित करती है, उसे अवर वाइट वायरस कहते हैं, ठीक है, अवर वाइट वायरस कहा जाता है, ठीक है। हम आपको बताया था कि 30 क्वेश्चन देखेंगे करके, तो टोटल हम 30 क्वेश्चन देखेंगे डेली। अगर आप लोग हमारे चैनल पर जुड़े रहते हैं और डेली अगर आप लोग 30-30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेते हैं अगर 2 महीने से, तो कितना हो जाएगा, 600 क्वेश्चन तो आसानी से हो जाएगा। 600 क्वेश्चन में मैं गारंटी लेता हूँ कि ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आऊँगा जो आपके एग्ज़ाम में, मैं कहता हूँ 70% लिख के ले लो, 70% ऐसी एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, जो कैविटी वायरस होता है ना, स्पेस फिल्ड वायरस होता है, फिलर वायरस जो होता है ना आपका, वही होगा आंसर सी, ठीक है। कौन सा कारण है जो लोगों को कंप्यूटर वायरस में यानी कि सेटिस्फाई नहीं कर पाता, वो आपको प्रोटेक्शन होगा, मतलब संरक्षण हिंदी में, ठीक है, हिंदी में इसको संरक्षण, इंग्लिश आपका प्रोटेक्शन, ठीक है।
कौन एक प्रकार के प्रोग्राम है जो होने का दिखावा करता है। देखिए मैं आप सभी को बताया था ना, कभी भी होने का दिखावा करे या मूर्ख बनाएगा डायरेक्ट आप ट्रोजन हार्स लगा दोगे। ट्रोजन हार्स का एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है ना, याद रखना एक सॉफ्टवेयर नहीं है। देखिए अब यहाँ पर कैसे घुमाया, स्वयं की प्रतिलिपियाँ अगर पढ़ लोगे ना डायरेक्ट वर्म लगाओगे, कोई इतना सारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो सेल्फ रिफ्लेक्टिंग जो सॉफ्टवेयर होता है वही आपको वर्म होता है, ठीक है। चलिए 30 क्वेश्चन हमने बोला था तो 30 क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा एक प्रोग्राम है जो लगातार यूज़र इंटरवेशनल के साथ नकल करने में सक्षम है, तो आपको वायरस ही होगा जो नकल करने में सक्षम होता है। तो आप सभी ये बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। कौन सा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो एक बार आपके कंप्यूटर पर इंस्टॉल हो जाता है, एक बार मात्र एक बार आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाता है तो आपके इंटरनेट ब्राउज को अटैक कर देता है, यानी कि ट्रैक करता है, तो उन साइट और सब्जेक्ट से संबंधित जो पॉप भेजता है उससे आप क्या देखें, एडवेयर, मालवेयर, बैकडोर्स या सॉफ्टवेयर, इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट पार्ट का आप इंतज़ार ज़रूर कीजिएगा, हम ऐसे आप सभी के लिए लेटेस्ट लेटेस्ट कंप्यूटर का जो क्वेश्चन है आप सभी के लिए लेकर आएंगे, ठीक है। तो इसका आंसर मैं आप लोगों को बता देता हूँ, सभी लोगों का आंसर ए आ रहा है तो बिल्कुल ए होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास का इंतज़ार करें, टोटल हम 50 MCQ लेकर आने वाले हैं। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करते चलिएगा, ठीक है। और हॉस्टल वार्डन की तैयारी तो कराई जा रही है, मैथ्स की क्लास भी स्टार्ट हो चुकी, जाइए प्लेलिस्ट पर आपको मिल जाएगा, या फिर डेली क्लास जुड़ सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, आपको डेली क्लास मिल जाएगा।